फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक गार्डनिंग। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे सारे प्लांट हैं, इंडोर आउटडोर सभी एक साथ रखे हुए हैं। और गर्मी की वजह से थोड़ी सी पत्तियों का कर्ल्स हो रहा है इस तरीके से, देखिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी थोड़े से पत्ते जो जल गए हैं या फिर मिट्टी सूखने की वजह से पौधा थोड़ा ग्रोथ रुक गई है। और कुछ तो गिलहरी फ्रेंड्स मेरे प्लांट को खा जाती है। तो ये जो गर्मी का सीजन होता है फ्रेंड्स, या फिर पूरे टाइम जब हम अपने प्लांट की केयर करते हैं, तो उसमें एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज आती है फ्रेंड्स कि हम हमारे जो प्लांट हैं उनको खाद कैसे दें। और स्पेशली जब ठंडी खाद देनी होती है और दूसरी जो ऑर्गेनिक खाद होती है वो देना हमें बहुत पसंद होता है अपने प्लांट को। और जब हम ऑर्गेनिक खाद देते हैं तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले तो हम अपना जो किचन वेस्ट बनाते हैं, किचन कंपोस्ट और किचन कंपोस्टी जो होती है उसको जब हम बनाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा बदबू वगैरह आती है, कीड़े पड़ जाते हैं और उसको संभालना भी काफी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम थोड़े थोड़े किचन वेस्ट इकट्ठा करते हैं, फिर उसे काफी टाइम तक संभाल कर रखते हैं और तब कहीं जाकर वो बहुत टाइम बाद, मतलब कि हमारी जो किचन वेस्ट कंपोस्ट या किचन वेस्ट टी होती है वो तैयार होती है, एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है वो तैयार होता है और उसके बाद में फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद हमारे प्लांट को मिलती है। आज मैं आपको इस तरीके का बताने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही सरल है, और उसमें ना तो आपके जो प्लांट है उनको देने में देर लगेगी फ्रेंड्स, और ना ही आपको कोई बदबू का, कीड़ों का, और ना ही कुछ जैसे मक्खियां हो जाती है बहुत सारी उसमें, और मच्छर भी हो जाते हैं और कीड़े वगैरह हो जाते हैं, उसमें से बदबू बहुत ज्यादा आती है जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होती। तो उस तरीके में फ्रेंड्स आपको कुछ भी मतलब कि परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हम बहुत सारी जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, उसके छिलके हम इकट्ठा करते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने अभी इकट्ठा करके रखा है। और जब ये मैं इसको पूरा बनाऊंगी, मतलब लिक्विड या फिर जो ठोस होता है वो, तो उसमें काफी टाइम लगेगा। अभी इसमें काफी ज्यादा बदबू अभी आ रही है, कुछ टाइम पहले मैंने इस तरीके से बनाया था फ्रेंड्स, ये काफी गल गए हैं लेकिन इसमें कीड़े हो गए हैं। तो मैं जो तरीका बताने वाली हूँ फ्रेंड्स वो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वो तरीका बनाते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके का कोई डिब्बा या फिर इस तरीके की कोई बोतल ले लेनी है फ्रेंड्स। और जो बोतल है फ्रेंड्स उसको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। और ये जो डिब्बा है ये किचन का वेस्ट है, ये टूट गया था, खराब हो गया था तो मैंने ले लिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद में इसमें बारीक बारीक से आपको होल कर देने हैं। तो होल आपको इस तरीके से करने हैं फ्रेंड्स कि यहाँ से आपको नीचे की तरफ सारे छेद करने हैं और नीचे की तरफ भी आपको 3 से 4 छेद कर लेने हैं। तो मैं इसमें छेद कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इसमें सारे छेद कर लिए हैं और ये भी कर लिए हैं, लेकिन ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ मीडियम साइज के है। इसके बाद में क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बड़े बड़े से प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये खाद काफी अच्छे से बनकर तैयार होगी और बिना किसी बदबू के, बिना किसी कीड़ों के। आपके पास में अगर इस टाइप के बड़े से ग्रो बैग हैं या फिर बड़े से प्लांट हैं, पौधे हैं, उनके गमले हैं, तो उनमें आप इस तरीके से खाद आराम से बना सकते हैं। और इसको फ्रेंड्स आपको डिब्बे को इस तरीके से इसमें छेद करके आप इस तरीके से रख दीजिए, इतना बड़ा रखिए फ्रेंड्स कि ये यहाँ से ऊपर रहे और आपको खोलने या बंद करने में आसानी रहे। तो इस तरीके से आप इसको पैक भी कर सकते हैं। और इसके साइड में फ्रेंड्स मिट्टी अच्छे से दबा दीजिए ताकि जब आप पानी डालें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस तरीके से आपको इस डिब्बे को मिट्टी के ऊपर रखना है और इसके थोड़ी सी मतलब जगह छोड़नी है ताकि ये डब्बा खुल और बन सके। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जो किचन वेस्ट आप लेते हैं और उसको जो बोरी आती है या फिर प्लास्टिक की थैलियां या फिर आप जो बाल्टी वगैरह या डिब्बे वगैरह में रखते हैं उसको इसमें डाल देना है। तो बहुत सारा किचन वेस्ट मेरे पास में भी है अभी, तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा डाल दिया है। और इसके बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें डालना है पानी। आपको पानी इतना डालना है कि ये सारी सब्जियां इसके अंदर अच्छे से भीग जाए इस तरीके से फ्रेंड्स। और उसके बाद में फ्रेंड्स इसको लगा देना है, ढक्कन को लगा के रखने से फ्रेंड्स इसके अंदर जितने भी जो कीड़े या फिर मक्खी और जितनी भी बदबू वगैरह आती है वो नहीं आएगी। और जितना भी डब्बा है आपका उसको इस तरीके से आप ढक दीजिए। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो खाद है आपकी बनती रहेगी और उसका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे आपके जो प्लांट है उसको मिलता रहेगा। और जितने भी पोषक तत्व की आप इसे खाद या फर्टिलाइजर बना के देते थे वो अब सारे इस डिब्बे में बन के तैयार होता रहेगा। जब ये डिब्बा पूरी तरीके से बन जाए और आपके पास में मतलब कि ये जो खाद है ये पूरी तरीके से नीचे चली जाए, काली हो जाए, सूख जाए,
तो आपको बस 15 दिन में एक बार पानी डालना है फ्रेंड्स। तो 15 दिन में आप एक बार डालेंगे, तब तक थोड़ी थोड़ी ये जो हमने इसके अंदर सब्जी और जितने भी वेस्ट डाले हैं फ्रेंड्स, ये सब गल जाएंगे। इसके बाद में आप चाहे तो फिर थोड़ा सा और डाल सकते हैं, और वेजिटेबल्स और ये सारे छिलके वगैरह डाल सकते हैं, फिर आप पानी डाल दीजिए। तो जब भी आपको प्लांट को पानी देना है तो आप इसको साइड से दे दीजिए, बस इसको 10 दिन या 15 दिन में एक बार आप पानी डालते जाइए, तो इसका जो लिक्विड है वो आपके प्लांट को फर्टिलाइजर के रूप में मिलता रहेगा। तो इससे आपके जितने भी प्लांट की जो कमियां हैं, जो फर्टिलाइजर से जरूरत से पूरी होती हैं, वो आपके प्लांट को मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई प्लांट की जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।